हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा और आप सबका आपके चैनल शिखा शरावत में वेलकम है। सो दोस्तों, आज एक बहुत ही यूनिक सी बहुत ही अच्छी नवरात्रि रेसिपी लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हैप्पी नवरात्रि विश कर देती हूँ। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, आपके लिए नवरात्रि बहुत शुभ हो। तो दोस्तों, आज बनाने वाले हैं हम साबूदाने का चीला, जो नवरात्रि के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसको आप एज अ स्नैक्स खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट के तौर पर खा सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत कम सामान के साथ बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने आधा कप लिया है साबूदाना। तो ये मेरा मेजरिंग कप है, तो ये मैंने मतलब एक कप लिया है, ये आधा कप के बराबर है। ये 1.25 ml का मेरा कप है। तो अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो चलिए मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। इस टाइप के कप्स आप हमारे सभी के घर में होते हैं, तो चलिए मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि ये कितना हो जाएगा। ये देखिए, आप इस कप से मेज़र करेंगे तो ये आपका इतना थोड़ा सा 3/4 कप के आसपास ही आपका साबूदाना है। तो आपको करना क्या है, साबूदाने को अच्छे से वॉश करके और इसको 2 से 3 घंटे के लिए आपको भिगो देना है। तो मैंने जल्दी से, ताकि मैं आपको बनाकर दिखा पाऊँ, तो इसके लिए मैंने पहले से साबूदाने को भिगो के रख दिया था। तो ये देखिए, मेरा आधा कप साबूदाना है ये, और ये फूल कर इतना हो चुका है। तो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें इसे साबूदाने को ग्राइंड करना है। तो एक मिक्सर जार में डालकर और इसमें आधा कप पानी डालकर हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी लेंगे एक उबला हुआ आलू। तो उसको, आलू को आपको कद्दूकस कर लेना है, एक ग्रेटर की हेल्प से आप उसे ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। आलू को ग्रेट करने के बाद अभी जो हमने साबूदाना का जो मिक्सचर बना के रखा था उसको ग्राइंड करके वो भी इसी में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आज साबूदाने का हम चीला बना रहे हैं, ये खाने में तो जैसे कि बहुत टेस्टी होता ही है, साथ ही हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साबूदाना हेल्थ के लिए भी हमारे अच्छा होता है। तो बहुत लाइट आपका ब्रेकफास्ट बन सकता है ये, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ इसको व्रत में खा सकते हैं, आप इसे नॉर्मल डेज में भी खा सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जो हमारे आलू है उसके साथ। तो आप इसमें इसकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि हम डोसा बनाते हैं और डोसे का जो हम बैटर रखते हैं उसे थोड़ा सा गाढ़ा हमें इसका बैटर चाहिए, कि टेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, इसको थोड़ा सा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए। अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे कि हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रेटेड ये जिंजर अदरक। तो जैसे हम फास्ट के लिए, व्रत के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें मसाले हम इसमें कमी ऐड करेंगे, बाकी नॉर्मल आप इसमें अपनी पसंद के कुछ भी मसाले ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा उसको क्रश करके थोड़ा सा दरदरा वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो इसके टेस्ट को और बढ़ा देगा। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छोटे छोटे आधा टमाटो के पीसेस, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरा धनिया, और आधा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, जो हमारा व्रत वाला नमक होता है सेंधा नमक, वो ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा कि आप जैसा आप खाना पसंद करते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन मुझे इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी सी थिक लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आज साबूदाने का हम चीला बना रहे हैं, इसके अलावा अगर व्रत की और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जैसे कि व्रत की सात्विक थाली है, प्लस साबूदाना वड़ा पनीर के साथ भी मैंने डाला हुआ है। उसके अलावा आपको एक 3-in-1 रेसिपी मिल जाएगी, जिसमें आप बहुत कम सामान के साथ एक साथ 3 चीज़ें तैयार कर पाएंगे। तो वो सारी मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं, तो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं और अपनी पसंद की चीज़ बना सकते हैं। तो देखिए, इस टाइप की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, मैं आपको स्पून से गिराकर भी दिखा रही हूँ, इस टाइप की आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बाकी जो मैंने अभी नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज़ बताई हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी एक पैन रखेंगे और उसके ऊपर डालेंगे आधा चम्मच घी। दोस्तों, इस चीले की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बन जाता है, प्लस बनाने में भी कोई झंझट नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब उसके ऊपर इसको मैं फैला देती हूँ। तो देखिए, इस टाइप से मैंने इसको फैला दिया है ये, और अब इसको फ्लेम को मैं थोड़ा मीडियम पे कर देती हूँ और धीमे धीमे आंच पे हम इसको सिकने देते हैं।
दोस्तों मेरा इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो मैंने थोड़ा सा थिक सा जो होता है वो वाला घी मैंने लिया था, तो थोड़ा हल्का ज़्यादा हो गया। आप थोड़ा सा कम ही यूज़ करें, नेक्स्ट मैं बनाऊँगी तो मैं उसमें कम ही डालने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जो मेरा चीला है, आप देख सकते हैं उसका कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो ये सिकना स्टार्ट हो गया है अच्छे से। तो अभी थोड़ा सा हम इसको और पकने देते हैं एक साइड से, उसके बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से इसको पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि थोड़ा सा डेलिकेट होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो जब भी एक साइड से पक जाएगा तो मैं आपको इसकी पहचान दिखाती हूँ। ये देखिए खुद ही पैन से ये ऐसे साइड पे होने लगेगा, ये आप देख सकते हैं अच्छे से। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपका जो चीला बने वो भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए अब मैं इसको एक बार पलटा मार देती हूँ इस टाइप से। आप इसको पलट दीजिए और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें प्यारा कलर आया है। तो थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे अगर आप इसको सेकेंगे तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, एक तो आपका क्रिस्प बनेगा, अच्छा सिक्का तैयार होगा, और साथ ही अंदर से सॉफ्ट भी रहेगा, ऊपर से क्रिस्प रहेगा, तो खाने में भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा ये। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको दोनों तरफ से सेक लिया है और बहुत सॉफ्ट चीला बनाया है हमारा। तो ये हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सेक गया, बस थोड़ा हल्का हल्का मैं इसको सेक रही हूँ, तो खाने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है। और मैं इसको सर्व करने वाली हूँ आज खीरे का रायता और प्लस ग्रीन वाली दही वाली चटनी। तो आप चाहे तो अपनी पसंद के किसी भी चीज़ के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई आलू की सब्जी वगैरह किसी चीज़ के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा टेस्टी यम्मी चीला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बहुत ही सॉफ्ट है, इसकी सॉफ्टनेस मैं आपको दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है ये चीला। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसी अच्छी अच्छी और न्यू रेसिपीज़ देखने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।